हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने जो CSIR का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया था, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं या कौन कौन से जो शेड्यूल है वो फॉलो करेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप कैसे जो है CSIR नेट का एग्ज़ाम जो है वो अपने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि मैंने जो अपना CSIR का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2016 में क्रैक किया था। उसके बाद इमिडिएटली मैंने PhD में इनरोलमेंट ले लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप क्या क्या ऐसी चीज़ करें और क्या क्या ऐसी चीज़ ना करें जिससे आप जो है ये CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है वो आप क्रैक कर सकें। तो जो ये वीडियो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप भी CSIR का जो एग्ज़ाम है उसे क्रैक करें और PhD में इनरोल हो जाएँ। तो देखिए, मैंने इनमें कुछ स्टेप्स लिए थे। जैसे जब मैंने जो अपना CSIR का एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किया था तो उसमें मैंने कुछ जो स्टेप्स हैं वो लिए थे और उन स्टेप्स को मैंने फॉलो किया था। उसके बाद ही मैंने जो है अपना CSIR का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर लिया था। तो देखिए, मैंने जो है क्या क्या स्टेप लिया था। तो सबसे पहले जो स्टेप था वो था मेंटल गाइड। ठीक है, जैसे ही आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि आप जिस एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका पैटर्न कैसा है या उसमें जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं या वो जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम किस यूनिट से आते हैं। ठीक है, तो ये जो मेंटर और गाइड का जो मैंने आपको स्टेप वन बताया ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब ये मेंटर और गाइड क्या हो सकता है, तो ये मेंटर और गाइड वो लोग हो सकते हैं। सपोज करिए, अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो भी पढ़ा रहा है तो वो एक टाइप का आपका मेंटर हो गया। आप उसके कांटेक्ट में रहिए और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। या हम बोल सकते हैं कि आप उन बच्चों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक किया है, ताकि वो आपको बता सके कि जो क्वेश्चन है वो किस पैटर्न पर आते हैं और किस यूनिट से कितने क्वेश्चन जो है वो CSIR में मोस्टली आते हैं। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आपको सारी यूनिट ही पढ़ना है। अगर आपको CSIR सिर्फ क्रैक करना है तो आप कुछ यूनिट्स पढ़ के भी और कुछ यूनिट्स को छोड़ कर भी आप जो CSIR जो है एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको टॉप में आना है, टॉप 10 में आना है, टॉप 50 में आना, तब आपको मोस्टली सारी यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप जो है वो टॉप रैंकिंग में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट था वो मेंटर और गाइड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मेरा पॉइंट था वो था प्रॉपर शेड्यूल। तो मैंने क्या किया था, अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया था और उस प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैंने जो अपनी सारी स्टडी है, सारे टॉपिक्स हैं वो सारे पढ़े थे। तो प्रॉपर शेड्यूल में आप क्या कर सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप मॉर्निंग में उठिए। मॉर्निंग में उठने की आदत डाली, क्योंकि मॉर्निंग में जो हमारा ब्रेन होता है वो पूरा फ्रेश होता है। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो मोस्टली वो आपको याद रहता है। क्योंकि हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हमारा कोई एग्ज़ाम होता है, चाहे वो 10th 12th में हम लोग देते थे, तो उसमें हम लोग मॉर्निंग में उठ के रिवाइज जरूर करते थे। क्या होता है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो पूरा फ्रेश होता है। क्योंकि रात में हमारी स्लीप कंप्लीट होती है, स्लीप कंप्लीट होने के बाद जब हम उठते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो पूरा रिलैक्स होता है, पूरा फ्रेश होता है। तो अगर उस पोर्शन में या उस टाइम में अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत ही जल्दी से जाता है और बिल्कुल एक टाइप का फिट हो जाता है। ठीक है, तो अपना शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। आप इस प्रॉपर शेड्यूल में आप जितनी यूनिट्स हैं, ठीक है, जो लाइफ साइंस का सिलेबस मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मेरे पास जो मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला है, ये है लाइफ साइंस का सिलेबस जो कि मैंने CSIR के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। तो देखिए, इसमें जो है देखिए डिफरेंट यूनिट्स है, जैसे आपको देख सकते हैं, आप लोग को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। तो इसमें डिफरेंट यूनिट दे रखी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन यूनिट्स को डिवाइड कर सकते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन आप सारी यूनिट जो है वो एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन में आप एक या दो यूनिट्स में से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स लें। ठीक है, उन टॉपिक्स लें और उन टॉपिक्स को स्टडी करें और उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लें। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया है तो आप जो है उसके जो MCQ जो होते हैं या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करिए, ताकि आपको पता चले कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर शेड्यूल, कि प्रॉपर शेड्यूल जरूर आप बनाइए, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए ताकि आपकी जो रेगुलरिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सॉल्विंग आफ्टर ईच टॉपिक। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया, आप कोई भी अगर टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं तो अपना कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए या आप देखने के लिए कि वेदर जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वो क्लियर है कि नहीं है मुझे, तो उसके लिए आप क्या करिए कि जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, चाहे आप पाथफाइंडर की एक बुक होती है टेस्ट एंड इवेल्युएशन, वो ले सकते हैं। उसमें भी कॉन्सेप्ट वाइज जो है क्वेश्चन दे रखे हैं, उसे आप सॉल्व करिए ताकि आपको पता चले कि आपका जो
कॉन्सेप्ट या आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर आपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक का वो क्लियर हो गया है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आप दोबारा से उस टॉपिक को पढ़िए और फिर कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड स्टेप हो गया वो क्वेश्चन सॉल्विंग आफ्टर ईच टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है। आप अगर पूरा सिलेबस आपका आपने सीएसआई का जो है वो कंप्लीट कर लिया है तो आपको ये जो 10 इयर्स के लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे जरूर सॉल्व करिए। इससे होगा क्या, आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली किस टॉपिक से या किस यूनिट से मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जरूर आप सॉल्व करिए। और इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक साल का पेपर, ठीक, कोई भी 1 ईयर का पेपर आप मत सॉल्व करिए, ठीक है। उसे एज अ सेपरेट आप रखिए। वो पेपर आप कब सॉल्व करिए, जब आपका जो एग्जाम है सीएसआर का होने वाला हो उसके 2-3 दिन पहले आप वो पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। अब आप देखिए आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नहीं पता होगा ये पेपर में, ये जो आपके लिए नया पेपर होगा और एग्जाम से अगर 2-3 दिन पहले आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी हुई है, ठीक है। जैसे कि अभी 2020 का एग्जाम होने वाला है दिसंबर 2020 का, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अगर आपने 2018 का पेपर या 2019 का पेपर आप एक ऐसा देखिए जिसे आप सॉल्व मत करिए और एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप उस पेपर को सॉल्व करिए ताकि आपको पता चले कि आप कितना टाइम ले रहे हैं पेपर सॉल्व करने में और आप कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट कर रहे हैं और जो आपका स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 200 आप कितना स्कोर गेन कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपने केस में किया था, जब मैंने अपना सीएसआई का एग्जाम दिया था तो मैंने एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया था और उस क्वेश्चन पेपर में मैंने जब अटेम्प्ट किया था तो मुझे आउट ऑफ 200 120 मार्क्स मुझे इजिली मिल रहे थे। तो इससे मुझे ये लग रहा था और मुझे मेरे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो रहा था कि अरे वाह मैंने तो आउट ऑफ एटलीस्ट 200 आई एम गेटिंग 120 मार्क्स, तो मेरा जेआरएफ तो पक्का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो लास्ट स्टेप वो 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये आपको जरूर सॉल्व करने हैं, जितना मैक्सिमम हो सके आप जो 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करिए ताकि आप जो है आपको पता चले कि आप जो क्वेश्चंस सीएसआईआर में आते हैं वो किस यूनिट से मैक्सिमम आते हैं या किस टॉपिक से मैक्सिमम आते हैं। तो आप अगर रिवीजन करना चाहे तो उन टॉपिक्स का रिवीजन जो है वो उस पे ज्यादा टाइम दे सकते हैं ताकि आपको जो क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक से जो क्वेश्चन वो इजीली मिले, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 स्टेप्स। अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर, मैं आपको सेफ्टी देता हूं कि आप जो है सीएसआईआर का जो एग्जाम है वो इजिली क्रैक कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं पैटर्न के बारे में सीएसआईआर के। तो जैसा मैं पता है जो सीएसआईआर में 3 यूनिट 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी। अब पार्ट ए जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जैसा हम सबको पता है जनरल एप्टीट्यूड का होता है। इसमें से आउट ऑफ 20 आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। जो पार्ट बी होता है वो 50 क्वेश्चन उसमें होते हैं, उसमें आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं। और जो पार्ट सी होता है 75, इसमें आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। ये 4 मार्क्स ईच, ये 2 मार्क्स ईच, ये 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो ये सीएसआई का पैटर्न है। तो अगर आपको सिर्फ सीएसआई क्रैक करना है, आपको ये नहीं कि आपको बस जेआरएफ मिल जाए, आपको टॉप रैंकिंग में नहीं आना है, तो आपने अगर पार्ट बी और पार्ट सी भी अच्छे से कर लिया तो आपका सीएसआई जेआरएफ जो है वो इजिली क्रैक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रैंकिंग वो टॉप 10 या टॉप 50 में है तो आपको पार्ट ए भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर। क्यों? क्योंकि जितने भी बच्चे जिनकी रैंकिंग टॉप 10 या टॉप 50 में आती है तो उनमें आप देखा होगा कि उनके जो एवरेज मार्क्स होते हैं पार्ट ए में वो 10-15 इजिली आते हैं, क्लियर। तो अगर आपको टॉप रैंकिंग में आना है तो आपको पार्ट ए भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर। तो अब बात करते हैं कि आप जो क्वेश्चन पेपर वो कैसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप जो टाइम दे वो पार्ट सी को दें, ठीक है, पार्ट सी को, क्योंकि पार्ट सी में 75 क्वेश्चन होते हैं और 75 क्वेश्चन को रीड करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और मोस्टली आप कोशिश करिए जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपने केस में जितने मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन थे वो मैंने 10 इजिली सॉल्व कर लिए थे, क्योंकि मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको छोटी देते हैं और फुल मार्क्स गेन कराते हैं, ठीक है। उसमें आपका जो मार्क्स आने का चांसेस है बहुत ही अच्छा है और जो करेक्ट होने के चांसेस वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आप क्या करिए, जितने मैचिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग वाले वो पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, आप इसमें जो है पार्ट सी में आप सबसे पहले क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो करने हैं। अगर आपको आउट ऑफ 25 अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तब भी इट इज़ वेरी गुड,
ठीक है। तो मोस्टली अपना टाइम जो है वो पार्ट सी पे दीजिए, उसके बाद आप पार्ट बी में टाइम दीजिए। पार्ट बी में क्या होता है कि आप जस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पार्ट बी में आप क्या करिए कि क्वेश्चन को देखिए, एक बार रीड करिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो डायरेक्टली टिक करिए, मार्क्स शीट में भरिए, अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। निगेटिव मार्किंग थोड़ा कम करिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अगर करेंगे तो आपका जो है जो स्कोर है वो घटता चला जाएगा। इसलिए ट्राई करिए जितना पॉजिटिव मार्क्स आप ला सके उतना लाइए, निगेटिव मार्किंग पे डिपेंड ना करिए। अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में 50-50% चांस है, तब उसमें आप निगेटिव मार्किंग के लिए रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो उस निगेटिव मार्किंग के लिए मत जाइए, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है वो पार्ट ए, आप पार्ट ए में क्या होता है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल टाइप कुछ क्वेश्चन दिए रखे होते हैं, जैसे डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है, या आपको कोई पजल दे दिया जाएगी तो उससे रिलेटेड। तो अगर आपको पार्ट ए में कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है आपको, तो आप कोशिश करिए उसे जितना जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा आप जो टाइम दीजिए वो पार्ट सी में दीजिए, क्योंकि इसमें जो एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। तो अगर आपने पार्ट सी और पार्ट बी भी कर लिया तब भी आपका JRF जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, ये मैं सियोरिटी देता हूँ आपका, ठीक है। तो अगर सिर्फ आपको CSIR क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, तो आप पार्ट बी और पार्ट सी से भी इजिली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रैंकिंग अच्छी चाहिए, टॉप रैंकिंग में आना है, तो आपको पार्ट ए में से भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कौन कौन सी टेक्स्ट बुक जो है वो रिफर करनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें कौन सी टेक्स्ट बुक जो है वो रिफ़र करनी चाहिए। तो मैंने जो अपने केस में जो टेक्स्ट बुक है वो रिफ़र की थी, वो मैंने आपको यहाँ पे सारी बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी जो टेक्स्ट बुक है वो रिफ़र की थी और उसके बाद मैंने क्या किया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी जो टेक्स्ट बुक है वो रिफ़र कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो मैं एक बार CSIR का सिलेबस देखता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक जो है वो रिफ़र की थी। तो देखिए, मोस्टली जो हमारा जो सिलेबस है वो रहता है जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन टेक्निक एंड एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे मेजर जो है सब्जेक्ट है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, और आप उन्हीं टॉपिक को पढ़िए जो कि CSIR के जो सिलेबस में है वो दे रखे हैं, ठीक है। आप उन्हीं टॉपिक को पढ़िए, आप वो टॉपिक आप किस बुक से पढ़ते हैं वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितना इजिली पढ़ना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि CSIR में हमेशा जो क्वेश्चन होते हैं बहुत डिटेल में होते हैं, तो आप ऐसा करिए कि जितने भी क्वेश्चन आप जितना भी आप टॉपिक जो भी लीजिए उसे पूरा डिटेल में पढ़िए। ये नहीं कि आपने बस ऊपर ऊपर पढ़ लिया है तो आपका क्वेश्चन जो है वो फंस जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जेनेटिक्स में, ठीक है, तो हम जेनेटिक्स का देख लेते हैं। तो देखिए, जेनेटिक्स के लिए दो बुक्स मैंने यहाँ पे आपको रिफर की है, एक हो गया बेंजामिन ए पियर्स और दूसरा गार्डनर, ठीक है। अब अगर इसका आप टॉपिक देखें, टॉपिक वाइज अगर करना चाहते हैं, अगर आप मेंडेलियन प्रिंसिपल्स पढ़ना चाहते हैं या कॉन्सेप्ट ऑफ जीन या एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स या जो इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, तो इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है बेंजामिन ए पियर्स, ठीक है। इसमें डिटेल्स में भी दे रखा है और आपको बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है और डिटेल में भी दे रखा है, ठीक है। तो मैंने जो बुक प्रीफर की थी वो बेंजामिन ए पियर्स की थी। उसके बाद आप गार्डनर भी प्रीफर कर सकते हैं, तो आप अगर चाहें तो आप गार्डनर भी पढ़ सकते हैं, वो इट्स योर चॉइस ओनली। लेकिन जो मैंने बुक प्रीफर की थी वो BA Prize बेंजामिन ए पियर्स की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने 3 जो बुक हैं वो लिखी हैं, एक लैलिंजर होगी, एक वाइट एंड वाइट होगी, एक यूबर्ट स्ट्रायर होगी, ठीक है। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि अगर आप इसमें से सबसे बेस्ट और सबसे गुड बुक है वो है लैलिंजर। मोस्टली सबको पता होगा कि लैंजर की जो बुक है वो बहुत ही डिटेल में है और बहुत ही अच्छे से उसमें दिया गया है सारे सब्जेक्ट्स को, सारे टॉपिक्स को, ठीक है। तो अगर आप बायो एनर्जेटिक, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये सब पढ़ना चाहते हैं जो आप ये लैंजर की बुक जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एंजाइम काइनेटिक्स की पढ़ना चाहते हैं, मैं जस्ट टॉपिक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसके लिए स्ट्रायर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो व्हाइट और वाइट बहुत ही अच्छा सा और डिटेल में दे रखा है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सी बुक तो प्रीफर करते हैं। मैंने अपने एग्जाम के लैंजर प्रीफर की थी क्योंकि मुझे इससे जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, बहुत अच्छा से दे रखा था और बहुत ही डिटेल में दे रखा था विद फिगर्स। तो मैंने जो लैंजर
प्रेफर की थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए मोस्टली हम लोग सेल बायोलॉजी के लिए कूपर प्रेफर करते हैं, क्योंकि कूपर में सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशंस बहुत ही अच्छे से दे रखा है, अलॉन्ग विद सेल ऑर्गेनल्स तो बहुत ही अच्छे से दे रखा है। तो मैंने जो प्रेफर किया था वो कूपर को प्रेफर किया था, और जो मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए मैंने वॉटसन को प्रेफर किया था, क्योंकि ये बुक्स क्या है, ये बहुत ही अल्टीमेट बुक है और इसमें जो फिगर्स दे रखे हैं और जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है बहुत ही बेस्ट है। तो मैंने वॉटसन एंड कूपर प्रेफर किया था। अगर आप चाहें तो ब्रूस अल्बर्ट और लॉडिस भी प्रेफर कर सकते हैं, तो इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट इम्नोलॉजी। तो इम्नोलॉजी के लिए सिर्फ एक ही बुक अभी तक मार्केट में है और ये बुक बहुत ही अच्छी है। मेरा मानना है कि ये बुक जो है ये इट इज़ द बेस्ट बुक इन द मार्केट। तो आप कूबे प्रेफर करिए, कूबे इज द बेस्ट बुक, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट आप सिलेबस देखिए कि इम्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टॉपिक है, और उनको सिर्फ कूबे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो बेस्ट बुक है प्रेस्कॉट, सबको पता है प्रेस्कॉट इज द बेस्ट बुक। अगर आपको माइक्रोबियल फिजियोलॉजी पढ़नी है तो प्रेस्कॉट इज द बेस्ट बुक, ठीक है। इसके साथ अगर आपको होस्ट पैरासाइट इंफेक्शन जो कि सेसा के सिलेबस में है, तो उसके लिए आप ब्रॉक की जो बुक है वो रेफर कर सकते हैं। तो ये दोनों बुक इसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, अल्टीमेट बुक है गिलबर्ट की, आपको सिर्फ गिलबर्ट से पढ़ना है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पूरा सिलेबस जो है वो आपको गिलबर्ट में इजीली मिल जाएगा। तो गिलबर्ट को आपको प्रेफरेंस देना है, गिलबर्ट को ही, सिर्फ गिलबर्ट आप पढ़िए, आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो पोर्शन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में टीज एंड जीगर, अल्टीमेट बुक है टीज एंड जीगर। लेकिन अगर आपको प्लांट हार्मोन की सिग्नलिंग पढ़नी है तो आप यहाँ पे हॉपकिंस को भी चूज कर सकते हैं। हॉपकिंस में जो प्लांट्स हार्मोन का जो सिग्नलिंग दे रखा है बहुत ही अच्छा दे रखा है, ठीक है। तो मैंने प्लांट हार्मोन सिग्नलिंग जो है वो हॉपकिंस से पढ़ा था। नेक्स्ट इकोलॉजी। अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो स्टेलिंग जो है इट इज अल्टीमेट बुक। इसके साथ साथ आप स्मिथ एंड स्मिथ को भी चूज कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इवोल्यूशन के लिए, तो इवोल्यूशन के लिए स्ट्रिक बर्गर की जो बुक है बहुत ही बेस्ट है, और मार्क रिडली की भी। वो आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टॉपिक जो है किस बुक में इजी लग रहा है और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे रखा है। तो मैंने जब किया था मैंने मार्क स्ट्रिक बर्गर को प्रेफर किया था अपने प्रिपरेशन में। नेक्स्ट टेक्निक। टेक्निक से जो है पार्ट सी में मोस्टली जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें टेक्निक के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आप टेक्निक्स के लिए जो बुक खरीदें वो बहुत ही अल्टीमेट खरीदिए और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए मार्केट में विल्सन एंड वॉकर इज द बेस्ट बुक, ठीक है। विल्सन वॉकर क्या है, वो बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आप उससे पढ़ते हैं तो आपको टेक्निक का जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा होगा और आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे सीएसआई के एग्जाम में। इसके अलावा आप प्राइमरोज भी यूज़ कर सकते हैं। और एक पाथफाइंडर की बुक आती है बायोफिजिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये पाथफाइंडर खुद की बुक है, तो उसे भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए आप वंडर की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप वंडर की बुक को प्रेफर करिए। अगर आप मेडिकल फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप गेरार्ड जे टोर्टोरा की बुक को रिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या थी, ये टेक्स्ट बुक थी, इनमें से कुछ टेक्स्ट बुक मैंने यूज़ की और उन टेक्स्ट बुक के में मैंने जो टॉपिक मुझे चाहिए था सीएसआईआर के लिए वो टॉपिक को मैंने पढ़ा। अब आप क्या करिए कि इनमें जो भी सीएसआईआर में जो भी टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक को देखिए और उस टॉपिक को इन बुक्स में देखिए कि ये जो टॉपिक्स हैं कौन सी बुक में इजी वे में और डिटेल्ड में और बेस्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप इन चीज इन टॉपिक्स को इन सेपरेट सेपरेट बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक्स जो हैं, अगर आपके पास, मैं आपको दिखा दूं, अगर ये बुक्स देखना चाहे तो मेरे पास इसकी कुछ कॉपीज हैं। जैसे ये देखिए जेनेटिक्स की जो बुक है मेरे पास, ये बेंजामिन ए पियर्स की है, जेनेटिक्स की है बेंजामिन ए पियर्स की, मैंने इस बुक को फॉलो किया था। इसके अलावा मैं अगर बात करूं मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री की, तो देखिए मेरे पास स्ट्रायर की बुक है, स्ट्रायर की बुक है और लैंजर की भी है, वो मैंने अपने फ्रेंड को दे रखी है प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा मेरे पास इम्नोलॉजी की कूबे जो मैंने आपको प्रेफर की है, ये कूबे जो है इम्नोलॉजी की बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इससे मोस्टली इम्नोलॉजी अगर आपने इससे पढ़ ली तो आपका बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास मॉलिकुलर बायोलॉजी की बुक है जो कि एल्बर्ट्स की है, इसको भी मैंने प्रेफरेंस किया था कुछ टॉपिक को पढ़ने के लिए। इसके अलावा मेरे पास एक और बुक है जो कि पियर्सन के, जो कि वॉटसन की है। तो दिस इज द बेस्ट बुक फॉर द मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द सेल। तो अगर आप मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो ये जो वॉटसन की बुक है दिस इज द बेस्ट बुक, ठीक है। इसके अलावा एक और बुक मेरे पास है मॉलिकुलर बायोलॉजी की, मॉलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी की, तो वो है लॉडिस की बुक, ठीक है। तो ये लॉडिस की जो बुक है ये भी बहुत ही अच्छी बुक, अगर आपको सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ना है तो आप इस बुक को भी रिफर कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करता हूँ मैं कि पाथफाइंडर की बुक, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है इन बुक्स के से प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो आप जो है पाथफाइंडर की जो बुक्स हैं दो वॉल्यूम में आती हैं, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2,
तो देखिए ये वॉल्यूम वन है पाथ फाइंडर की, लाइफ साइंस वॉल्यूम वन, और एक और बुक है जो कि पार्ट टू है लाइफ साइंस की, ओके। तो ये पाथ फाइंडर की वॉल्यूम टू है। इसके साथ ही साथ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्स की, क्वेश्चंस की, तो उसके लिए आप पाथ फाइंडर की टेस्ट एंड इवेल्युएशन जो बुक है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बुक्स बताई, अगर आपने इन बुक्स को रिफ़र किया है तो आप जो है बहुत ईजिली जो है CSI का एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आकर आपके पास टाइम नहीं बचा है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो आप जो पाथ फाइंडर की वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू लाइफ साइंस है उसे प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि वो बुक क्या है, कंप्लीट पैकेज है सारी बुक्स का। उसमें जो भी डिटेल में दे रखा है वो बहुत ही अच्छे दे रखा है पाथ फाइंडर ने, वो बुक्स जो है वो बहुत ही अच्छे से उसमें टॉपिक्स को इंक्लूड किया और जो डिटेल में दिया है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या अगर आपने सपोज सारी बुक्स पढ़ चुके हैं, आपको एक बार रिवाइजन करना है, तो आप पाथ फाइंडर की जो बुक्स है उससे रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि पाथ फाइंडर की जो बुक है वो टोटल पैकेज है, ठीक है। तो मैंने आपको आज बताया कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो की और क्या क्या मैंने बुक्स फॉलो की और क्या क्या मैंने शेड्यूल फॉलो किया, जिसके थ्रू मैंने जो अपना CSI GRF का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको भी बिल्डअप हुआ होगा, आपका भी कॉन्फिडेंट कि आप भी जो है इसका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर CSI GRF एग्ज़ाम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।